अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है, मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं, हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट वन एसीपी रैंक कॉल्स मी अप एंड ही सेज, अकबर साहब आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करिए, मदद करिए। आई वॉज वेरी वेरी ओपन टू माई सेड माई कॉन्ट्रीब्यूट, क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ। सर व्हाट इज दिस यू टेल मी सर? ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू दिस। मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है मार रहे हैं। अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो। काचीगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ? बच्ची के साथ गांजा पिलाकर नशा करके उसका रेप किया। ये लॉ एंड ऑर्डर है। आप बताइए कि सर ओवरऑल क्राइम रेट ब्रांड को खराब कर रहे हैं। और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक खुसूरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते। आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं। आप क्या आपके किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है। मैं कह रहा हूं अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ओल्ड सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं, मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो, मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। और गोइंग इनटू दैट माय सेल्फ एंड माय लर्नेड फ्रेंड हरीश राव साहब हैड स्पोकन अबाउट द मर्डर्स एंड द गवर्नमेंट गेव अ रिप्लाई। और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में दो कत्ल हुए, तीन कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि व्हेन आई से दैट टास्क फोर्स वॉज फॉर्म टू कीप द क्रिमिनल्स अंडर कंट्रोल, कीप अ वॉच अंडर द वॉच ओवर द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड फॉर द फास्ट यू नो तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। एंड सर आई हैव द फिगर, सर आई हैव द फिगर्स नाउ विद मी विच आई विल से इज दैट कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं रातों में। टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है, इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही होगा, रात भर इतना थक जा रही बिचारी हमारी पुलिस, सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं आईटी के एम्प्लॉयज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है? और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी, आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस, तो क्या जालिम पुलिस है, जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है खामोश, ड्रग्स आ रहे हैं खामोश, जुआ हो रहा है खामोश, सट्टा चल रहा है खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है, मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं।